हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये जो कटोरी का पार्ट होता है तो ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्या हो जाता है, कभी कभी हम पूरा ब्लाउज तो सिल लेते हैं लेकिन कटोरी का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कटोरी कभी ठीक से नहीं बैठती है या छोटी हो जाती है, कभी कभी बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्लाउज़ के या चेस्ट के हिसाब से हमारी कटोरी जो है, जितनी हमारा पहला ब्लाउज होता है उसके हिसाब से हमारी कटोरी निकलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसको निकालने का तरीका कैसा है। क्या हो जाता है कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे जो भी मैं जिसकी हर एक की कटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जो भी कटिंग करता है उसकी कटिंग अलग अलग होती है, उसका कटोरी बढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इससे क्या हो जाता है, कभी कभी जो सिलने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी का वो कटिंग थोड़ा सा देखते हैं तो कभी दूसरों का कटोरी का पार्ट होता है वो निकालते हैं, कभी कभी किसी दूसरों का आरमोल लेते हैं कि ये इस तरीके से निकालना है। ऐसा नहीं करना है। जो कटिंग होती है वो परफेक्ट एक ही कटिंग आप पूरा देखोगे ठीक से और उसी के ऊपर आप कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाता है, हम अलग अलग कटिंग देखते हैं और अलग अलग कटिंग करने का तरीका जैसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, कटिंग जो है वो हमारी गलत हो जाती है या कुछ उसमें खराबी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही कटिंग आप देखोगे, जैसे मेरी कटिंग आपने देखी तो मैं कैसे तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये कटोरी का जो पार्ट होता है वो कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको बता देती हूँ या कैसे निकालना है। क्या हो जाता है, कटोरी तो हम बढ़ा लेते हैं लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जैसे पूरा कटोरी का जो नाप, जैसे हम सिंपल ब्लाउज के ऊपर नाप लिया, अभी क्या कटोरी का नाप कैसे निकालेंगे ये हमें पता नहीं चलता। जैसे बॉडी के ऊपर नाप लिया तो हमें पता नहीं चलता कि अभी कटोरी का पार्ट जो है 5 इंच लेना है, 5.5 इंच लेना है या 6 इंच लेना है। जैसे हमारा ब्लाउज जो होता है, ब्लाउज नाप के लिए आता है तो हम ब्लाउज का जो नाप लेकर हमें पता चल जाता है ये कटोरी का पार्ट इतना है वो इतना रखना है, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ब्लाउज नहीं होगा या हमारी कटोरी, हमारा ब्लाउज भी ठीक से नहीं बैठ रहे हैं तो हमें अच्छा यानी कि फिटिंग वाला ब्लाउज चाहिए, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट कटोरी निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, आपको पहले चेक करना है आपका जो ब्लाउज होता है वो ठीक से आता है कि नहीं। तो आपको पहले चेक करना है जैसे शोल्डर आपके परफेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद जो है आपका जो पार्ट होता है, कटोरी का पार्ट हो या साइड फिटिंग का पार्ट हो, वो आपका ठीक से आता है कि नहीं। अभी पहले आपको शोल्डर को चेक करना है। अभी शोल्डर को चेक करने के बाद क्या हो जाता है, ये देखिए, यहाँ पे पहले आपको यहाँ से हमारी स्लीव ज्वाइंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर का नाप लेना है। अभी आपका शोल्डर का नाप जो आता है वो आता है 11 इंच। अभी जितना हमारा शोल्डर का नाप आता है, जब भी हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते वक्त आपको क्या करना है, शोल्डर के बिल्कुल सामने जब भी आप शोल्डर लेते हो, जितना जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते वक्त क्या करते हैं, हम पहले तो बैक साइड की जो लंबाई होती है वो नापते हैं। नापने के बाद उसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। 1 इंच प्लस करने के बाद इसे हमें क्या करना पड़ता है, जो शोल्डर नापते हैं, शोल्डर नापने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे गला रखते हैं और जितना हमारा शोल्डर होगा शोल्डर पे आपको आधा शोल्डर का हाफ आपको लेना पड़ता है, यानी कि शोल्डर का आधा आपको लेना पड़ता है। अभी जैसे शोल्डर जो है 10 इंच शोल्डर होगा तो हमें 5 इंच लेना पड़ता है, 11 इंच शोल्डर होगा तो हम 5.5 इंच लेते हैं, 12 इंच होगा तो हम 6 इंच रखते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना आया है 11 इंच, अभी 11 का हाफ हमारा हुआ 5.5 इंच। अभी 5.5 इंच हुआ तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो आपको क्रॉस पट्टी के ऊपर आपको क्या करना है, सीधा इसको रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो शोल्डर जितना हमारा शोल्डर होगा उतना ही आपको कटोरी जो है वो लेनी है। अभी 5.5 इंच हमारा कटोरी का जो नाप आता है, शोल्डर का जो नाप आता है 5.5 इंच, तो आपकी कटोरी भी 5.5 इंच आनी चाहिए। उसके बाद जो हम बढ़ाते हैं कटोरी को, जो बढ़ाते हैं कटोरी लेने के बाद, जैसे 5.5 इंच का कटोरी आता है तो उसमें हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5.5 इंच का तो लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना पड़ता है, इसका सेंटर निकालना पड़ता है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना पड़ता है, 1.5 इंच का नीचे के साइड में टक्स पॉइंट के लिए लेते हैं।
अभी 1.5 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए नीचे के साइड में लेने के बाद साइड में भी हमें 1.5 इंच लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टक्स पॉइंट जो है वो आता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए, और उसके आगे जितना हमारा ये 5.5 इंच कटोरी का नाप आता है उसका हाफ हमारा जितना आता है, जैसे 5.5 इंच आया तो उसका हाफ निकल जाता है हमारा 3.25 इंच। तो 1.5 इंच के आगे हमें 3.25 इंच लेना पड़ता है। अभी देखिए टक्स पॉइंट जो है वो 1.5 इंच लिया हमने, वो टक्स में चला जाता है और 3.25 इंच इस साइड में और 3.25 इंच इस साइड में आता है। और क्या करना है, जैसे थोड़ा सा 1/4 इंच जो है दोनों साइड में हमें एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा लेना है। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा सिलाई मार्जिन रखते हैं। तो जितना इस साइड में आता है उतना ही हम दूसरे साइड में लेते हैं। दूसरे साइड में लेने के बाद इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो गला होता है, गले की जो चौड़ाई होती है वो कम नहीं होनी चाहिए। अभी ये गले की चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच लेते हैं, नीचे 1.5 इंच रखते हैं, और जब भी हम यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं कटोरी को तो यहाँ से यहाँ तक हम 1/4 इंच जो है जितना आपका सिलाई में जाता है उतना हम एक्स्ट्रा रखते हैं। एक्स्ट्रा रखने से क्या हो जाता है, ये जो गले की चौड़ाई होती है वो उतनी रहती है, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेते हैं उसमें हमारी सिलाई आ जाती है। उसके बाद इस साइड में भी हम एक्स्ट्रा रखते हैं और इस साइड में भी हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, यहाँ पे भी हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद जैसे ये भी हमारा सिलाई में जाता है, गले की चौड़ाई जो है उतनी आती है इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में हमने सिलाई में चला गया, तो हमारे जो गले की चौड़ाई होती है जितनी हमारी गले की चौड़ाई है उतनी हमारी रहती है। उसके बाद हम राउंड शेप देते हैं। राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच दोनों साइड में हमारा ये 1.5 इंच आता है, तो ये हमारा टक्स पॉइंट के लिए रहता है। अभी टक्स पॉइंट के लिए वो कटोरी चला जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो 3.25 इंच आया है वो सिलाई में चला गया और 1.5 इंच टक्स में गया, तो ये कटोरी का जो 3.25 इंच आता है वो उतना ही रहता है, इस साइड में 3.25 और इस साइड में 3.25 इंच रहता है। तो यहाँ पे हमारा कटोरी का जो नाप होता है ये हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कटोरी का नाप जो है वो हमारा 5.5 इंच आया है, यहाँ पे हमारी कटोरी जो है वो ज्वाइंट हुई है। तो इस तरीके से आपको उसका ध्यान रखना है। क्या हो जाता है, जैसे चेस्ट का नाप कम हो जाता है, जैसे चेस्ट कम होगी 30 इंच होगी 28 इंच होगी, हम शोल्डर जो है 10 इंच लेते हैं, 10 इंच शोल्डर लेंगे तो आपके शोल्डर भी नहीं गिरते और कटोरी का जो पार्ट होता है वो भी परफेक्ट आता है। जैसे शोल्डर आया हमारा 5 इंच तो कटोरी का पार्ट भी हमारा 5 इंच आएगा। अभी ये 5 इंच आएगा तो यहाँ पे हमें जैसे मैंने बताया है कि कटोरी को कैसे बढ़ाना है, जैसे 1.5 इंच में टक्स पॉइंट में चला जाता है और जितना 2.5 इंच आगे के साइड में रहता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए, तो वो कटोरी भी हमारा 5 इंच तैयार आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 इंच ऊपर के साइड में शोल्डर आया है, तो यहाँ पे हमारा कटोरी सिलने के बाद भी हमारा 5.5 इंच ही कटोरी का नाप निकलता है। तो इसी तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी का चेस्ट पार्ट जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इससे आपको क्या करना है, जब इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है टक्स पॉइंट में ज़्यादा दबाना है। जैसे इस साइड में हमने चौड़ाई बढ़ानी है, नीचे जो है वो लंबाई नहीं बढ़ानी है, टक्स पॉइंट जो है, जैसे टक्स पॉइंट में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे जो कटोरी होता है उतनी जितनी हमारी कटोरी है उतना ही पार्ट हमें रखना है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो हल्की सी बढ़ानी है। उससे क्या होगा, जैसे कटोरी का जो पार्ट बड़ा हो जाता है तो इसमें भी आपका ये कटोरी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तब देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने कटोरी का जो नाप होता है वो निकालना आपको बताया है। जैसे सिंपल ब्लाउज होगा और सिंपल ब्लाउज का हमें कटोरी ब्लाउज निकालना है तो हम उसका शोल्डर नापेंगे, तो जितना हमारा शोल्डर आता है उतना ही आपको कटोरी का जो मार्किंग है वो रखना है। जैसे शोल्डर हमारा 11 इंच आया तो हम उसका हाफ कर लेते हैं, 5.5 इंच आया तो आपको कटोरी जो है उतनी रखनी है। जैसे हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज लिया, प्रिंसेस कट ब्लाउज के ऊपर आपको पता चल जाता है, जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए भी शोल्डर एक जैसा ही रहता है, तो शोल्डर का नाप निकाला उसके बाद भी आप कटोरी का नाप जो है वो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब कटिंग करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि कैसे और क्या करना है। जो नए सिलने वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जो रेगुलर सिलते हैं उनको जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। अभी किसी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो कटोरी का टक्स पॉइंट जो होता है
वो भी हम लंबाई के हिसाब से रहते हैं। जैसे लंबाई, पूरी लंबाई आपको अच्छे से नापनी है ब्लाउज की, उसके बाद आपको चेक करना है लंबाई जितनी होगी, कम लंबाई होगी ब्लाउज की तो आपको 2.5 इंच पे रखना है, मीडियम लंबाई यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई होगी तो आपको 2.75 इंच पे टक्स पॉइंट लेना है, और ज़्यादा लंबाई होगी 15, 15.5, 16 इंच लंबाई होगी तो आपको 3 इंच पे टक्स पॉइंट जो है वो देना है। इसे आपको इसका भी ध्यान रखना है। अभी देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने कटोरी को कैसे निकालना है, कौन से भी ब्लाउज के ऊपर कटोरी का नाप जो है कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।